सभा को करने के लिए मुझे लुधियाना में आना पड़ा है। तो बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, कि हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, कि जिस पंजाब की धरती से गुरु नानक देव जी ने जाकर के अयोध्या में रामलला के मंदिर का उस समय दर्शन किया था, जिस अयोध्या में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने राम जन्मभूमि के लिए निहंगों की फौज भेजी थी और राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए आंदोलन की अगुवाई की थी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जिस राम जन्मभूमि के लिए राम अवतार के नाम पर ही पूरा एक स्वर्ग लिखा था, आज गुरुओं के संकल्प को मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करने में सफलता प्राप्त हुई है। और इसीलिए तो पूरा देश एक स्वर से बोल रहा है, फिर एक बार अब की बार 400 पार की बात जब होती है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को चक्कर आने लगता है, क्योंकि 400 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रहे, उस प्रकार की लड़ने की क्षमता भी नहीं। तब जनता जनार्दन से पूछते हैं कि 400 पार कैसे, तो जनता जनार्दन कहती है कि कन्हैया लाल मित्तल तो पहले ही कह चुके हैं, और कन्हैया लाल ने पहले ही क्या कहा था, इन्होंने कहा था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं। बहन और भाइयों, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना और कांग्रेस को सत्ता की इतनी लालसा थी, इतनी लिप्सा थी कि वह गुरु नानक देव जी की पावन स्थली करतारपुर साहब को ही भूल गए थे। मोदी जी के प्रति माबारी है कि उन्होंने करतारपुर साहब कॉरिडोर बना करके फिर से भारत के गौरव को बढ़ाया है और गुरु परंपरा को फिर से सम्मान देने का काम किया है। बहनों भाइयों, ये पहली बार आजाद भारत में हो रहा है, हम सब जानते हैं सनातन की धार करकर के गुरुदेव बहादुर जी महाराज ने अपने आप को बलिदान किया था, अपनी शहादत दी थी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, उनके चार चार साहबजादों ने, माता गुजरी ने अपने आप को इस सनातन की धार बन करके बलिदान कर दिया था। लेकिन कभी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार चार साहबजादों को भारत के अंदर सम्मान कांग्रेस की सरकार ने नहीं होने दिया। हम आभारी हैं मोदी जी के, मोदी जी ने चार चार साहबजादों की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए, सम्मान देने के लिए 26 दिसंबर की तिथि को वीर बालक दिवस के रूप में सम्मानित करने का काम किया है। आज के हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा है, क्या उम्र थी, 7 साल, 9 साल, 14 साल, क्या उम्र है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए, इस धर्म और देश के लिए लड़ रहे हैं, उस कालखंड में मुगलों का सामना कर रहे हैं और इसीलिए इस गुरु परंपरा को सम्मान देते हुए, उसके चरणों में नमन करते हुए, जब लोग पंजाब की, आज की पंजाब की स्थिति को देखते हैं, बहन और भाइयों, दुख होता है, अंतःकरण से पीड़ा होती है, हिंदुस्तान की सुरक्षा का ढाल हमारा पंजाब कहां जा रहा है, ये कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी कहां लेकर के चली गई है, और इन दोनों के कार्य भी देखो, इन दोनों के देखो, दिल्ली में मिलकर लड़ेंगे और पंजाब में आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। ये इंडी गठबंधन इनका ऐसे ही है, इनका देश के लिए कोई लेना देना नहीं है। और हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हमने अयोध्या में रामलला के दर्शन, रामलला को भी भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए देखा है और करतारपुर कॉरिडोर को भी हमने भव्य रूप में दर्शन करते हुए देखा है।
26 दिसंबर की तिथि को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। मैं तो पहले से ही यूपी में जब आया आने के बाद से ही मैंने 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया। और यूपी में तो मुख्यमंत्री आवास में ही हम लोग गुरु ग्रंथ साहब को सिर में लेकर के जाते हैं, वही कीर्तन कराते हैं और बहनों भाइयों वही पे वीर सम्मान दे रही है, भारत की सुरक्षा को पुख्ता कर रही है। अब दुनिया का कोई देश, कोई दुश्मन भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं करता है। बहन और भाइयों, अब तो जगह जगह विस्फोट नहीं होते। याद करिए, पहले अलग अलग जगहों पर कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी अहमदाबाद, कभी चेन्नई, कभी हैदराबाद, कभी अयोध्या, कभी काशी, ये जगह जगह आतंक के विस्फोट होते थे। हम तब उस समय की कांग्रेस सरकार से कहते थे कि भाई आतंकवाद से लड़ो, आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दो। फिर कहते थे आतंकवादी सीमा पार के, सीमा पार का कह करके बहाना टाल जाते थे। आज आप देखते होंगे आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद देश के अंदर समाप्त, मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा का बेहतर वातावरण। और अब तो आतिशबाजी करते करते कभी कोई पटाखा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता सर मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया हिंदुस्तान है, छेड़ेगा नहीं। लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। और बहनों और भाइयों, आज के नए हिंदुस्तान में विकास भी है, 2 लेन 4 लेन 6 लेन 12 लेन के हाईवे, रेल की नई नई मॉडल, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत के रूप में मेट्रो बन रही है, IIT IIM AIIMS IIIT NIIT और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का एक संजाल देश के अंदर फैला है। हर घर नल की योजना से हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य है। तो बहनों और भाइयों, गरीबों के लिए 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। याद करिए, पाकिस्तान की कुल आबादी 23 करोड़, और 23 करोड़ की आबादी भूख से मर रही है और हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी आबादी है इससे बड़ी आबादी को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य कार्ड की, आयुष्मान कार्ड की सुविधा मोदी जी ने दी है। और मोदी जी ने कहा है 4 जून को फिर एक बार जब मोदी सरकार बनेगी तो बहन और भाइयों 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य के लिए कार्ड उपलब्ध होगा, जिससे वह अपना परिवार का खर्चा बता सके और मुफ्त में उपचार करवा सके। किसान को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय, और बहनों भाइयों हर घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी, 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं। मोदी जी ने कहा है जितने गरीब बच्चे होंगे इनके भी मकान बनेंगे और अगले 5 वर्ष में सबको एक एक मकान देंगे। बहनों और भाइयों, आज तो मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये विजय सांपला जी हमारे बीच में है, मैं पंजाब की धरती में कहना चाहता हूं अयोध्या में रामलला विराजमान बाद में हुए, पहले अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने अयोध्या में बनाया, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखा। विजय सांपला जी हमारे बीच में है, इनका काशी में आना जाना है, सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मस्थली क्षीर गोवर्धन में अक्सर जाते हैं। याद करिए कांग्रेस की सरकार में और पहले की सरकारों में वहां की क्या दुर्दशा थी,
आज आप जाएंगे सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि में एक भव्य और दिव्य स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। और बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे यही कहने के लिए आया हूं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सम्मान सुरक्षा विकास विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, गरीबों का कल्याण कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ये गठबंधन, जो गठबंधन नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी तो देश के अंदर पहली पार्टी है जिस राजनीतिक दल के खिलाफ भी चार सीट दागी हो रखी है, ये दागी पार्टी बन चुकी है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई थी लेकिन इसके एक दर्जन नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल के अंदर सड़ रहे हैं या फिर बीएनपी बाहर छूट करके जनता के सामने अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए मजबूर हुए हैं। बहनों भाइयों, ये लोग बोलते क्या थे, आज इन्होंने पंजाब के हाल क्या कर दिए हैं। आज पंजाब में ड्रग माफिया, भू माफिया, सैंड माफिया, गैडन माफिया, ये सभी आज पंजाब में हावी हो गए हैं। पंजाब की बालाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस पंजाब ने देश की सुरक्षा का ढाल बना था, जो पंजाब, जिस पंजाब का युवा देश की सुरक्षा में अपनी जवानी लगाता था और सुरक्षा के बाद जब आता था तो अपना पसीना बहा करके भारत के अंदर हरित क्रांति के सपने को साकार करता था, जिस पंजाब ने देश के अंदर समृद्धि के एक नए मानक खड़े थे, जिस पंजाब के कारण भारत सोने की चिड़िया कहलाने का हकदार बनता था, जो पंजाब हमारे गुरुओं की भक्ति और शक्ति का पुंज बन करके भारत की सुरक्षा का ढाल बना था। बहनों भाइयों, आज यहां के युवाओं के साथ उनकी स्थिति को देख करके मुझे कभी कभी तरस आती है और साथ साथ मेरा हृदय दिल से रोता है, इस बात के लिए रोता है, ये युवा जिसने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जीवन लगाना चाहिए था आज ड्रग माफिया की चपेट में। और मैं तो कहने के लिए आया हूं, इसीलिए ये रोनेश सिंह बिट्टू को चुनाव जिता करके भेजे, मैं इनके साथ यूपी के बुलडोजर भी इनके साथ भेज दूंगा, इनके साथ भेज दूंगा मैं, और इसलिए भेज दूंगा जिससे यूपी का बुलडोजर लेकर के यहाँ के माफियाओं को वो वैसे ही रौंदने का काम करेगा जैसे हमने यूपी के अंदर किया है। यूपी के अंदर आपने माफियाओं को आप कहीं खड़े होते हुए देखा है क्या? जो माफिया पहले सत्ता के पहले यूपी में अराजकता फैलाते थे, दंगा करते थे, पैरेलल गवर्नमेंट चलाते थे, और जिन माफियाओं के कारण वहां के किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का प्रोटोकॉल समाप्त हो जाता था, आज वही माफिया वहां मिट्टी में मिल गए हैं, मिट्टी में। अब वहां कोई गैंगस्टर नहीं है, कोई दुर्दांत माफिया नहीं है, कोई सैंड माफिया नहीं है, कोई भू माफिया नहीं है, कोई कटन माफिया नहीं है, और कोई भी अन्य माफिया नहीं है। 25 करोड़ की आबादी, नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चंगा, और यही कहने के लिए आए हैं। एक बार बिट्टू को चुनाव जिता करके भेजिए, अगली सरकार पंजाब में हम बीजेपी की लेकर के आएंगे, माफियाओं पर रौंदने का काम करेंगे। ज्यादा नहीं 48 घंटे का समय चाहिए बीजेपी को, 48 घंटे के अंदर पंजाब और गुरुओं की भूमि को माफिया मुक्त करके गुरुओं की वाणी की भूमि बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करनी थी। और इसीलिए मैं आया हूं, बिट्टू को मेरे संसद के साथी रहे हैं, मेरे मित्र रहे हैं, हम अलग अलग पार्टी के थे लेकिन मिलते थे, विकास के बारे में चर्चा करते थे, राम जन्मभूमि के बारे में चर्चा करते थे, करतारपुर साहिब के बारे में चर्चा करते थे,
वीर बाल दिवस के बारे में चर्चा करते थे, आज इनके सारे संकल्प पूरे हुए हैं। और इसीलिए जब मुझे अच्छा मुझे लगा कि मेरा मित्र चुनाव लड़ेगा लुधियाना से बीजेपी से, तो मैं यूपी का अपना चुनाव छोड़ करके आया हूं, आज विशेष रूप से लुधियाना में आया हूं बहनों और भाइयों, और इसीलिए मैं आपसे अपील करूंगा, विक्टो को चुनाव जिता के भेजेंगे, कमल खिलेगा लुधियाना में, कमल खिलेगा, सभी लोग तैयार है ना बहनों और भाइयों? कल का एक दिन का समय आपके पास बचा है घर घर जाकर के प्रचार करने के लिए, और मेरी तरफ से इस पावन धरा को नमन करना। ये पावन धरा बहुत पवित्र भूमि है हमारे लिए, क्योंकि मैं गुरु परंपरा को मानता हूं। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे अपील करूंगा, ये भूमि पंजाब की भूमि ने देश को बहुत कुछ दिया है, और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। एक दिन आप में से हर व्यक्ति कल का दिन, कल और परसों दो दिन का समय देश के लिए निकालिए, कमल खिलाने के लिए घर घर जाइए। आप में से हर व्यक्ति 25-25 घरों से कल एक दिन में संपर्क करिए, और परसों उन 25 घरों का वोट मतदान केंद्र पे ले जाकर के पोलिंग करवा दीजिए। करवाएंगे, करवाएंगे तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे पंजाब के रण में। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ से पहले भी उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, और उसके बाद अब लुधियाना में ये जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और आइए अब आपको दिखाते हैं क्या है देवरिया के लोगों की राय। लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के तहत गाजीपुर लोकसभा सीट पर 1 जून को मतदान होना है। यहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट पारसनाथ राय चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका मुकाबला इंडिया अलायंस से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अफजाल अंसारी से है। हमारे साथ गाजीपुर जिले के कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम समझेंगे गाजीपुर लोकसभा सीट का क्या है सियासी माहौल, क्या है समीकरण, और किस तरह की सियासी लड़ाई यहाँ पर चल रही है। शिव कुमार जी, यहाँ पर भाजपा सपा और बसपा त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही, आपको कैसा यहाँ का सियासी माहौल लग रहा है, किस तरह के सियासी समीकरण आप यहाँ पर देख रहे हैं? गाजीपुर लोकसभा चुनाव अब अंतिम चरण में, आज शाम को 5 बजे समाप्त हो जाएगा। इस चुनाव में विकास बनाम जातिवाद दो मुद्दे हावी रहे, और वैकल्पिक तौर पर अग्निवीर और पेपर लीक वाला भी मुद्दा हावी रहा, लेकिन जातिवाद बनाम विकास ये हावी रहा। गाजीपुर की जनता ने 2014 से लेकर 2019 के बीच में पहली बार विकास का स्वाद चखा, और तत्कालीन रेल राजमंत्री के नेतृत्व में बहुत ही विकास कार्य हुए। पिछले चुनाव में मनोज सिन्हा जी और अफजाल अंसारी जी के बीच में टक्कर थी, जिसमें बस बहुजन समाज पार्टी के साथ में गठबंधन के था, और अफजाल अंसारी जी लगभग 1 लाख से ज़्यादा मतों से विजयी हुए थे। इस बार बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का आपस में अलायंस नहीं है, बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर उमेश सिंह लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी से पारसनाथ राय हैं, और समाजवादी पार्टी से आपके अफजाल अंसारी हैं। तीनों लोगों में लगभग त्रिकोणीय ही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है साइलेंटली चल रही है अभी, लेकिन उसका वोट पारसनाथ राय यहाँ पर बीजेपी पे के लिए एक नया चेहरा है, यहाँ के लोगों के लिए एक नया चेहरा है, ऐसे में वो कितने मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं? पारसनाथ राय जब उनके नाम की घोषणा की गई उसके बाद से तो कमजोर लग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे वो लड़ाई में अच्छी तरह से फाइट में वापस आ गए हैं। देखिए, दो तीन चीजों को मैं बहुत संक्षेप में रखना चाहूंगा। पहला तो ये कि सत्तारूढ़ दल जो बीजेपी है उसके लिए स्ट्रांग पॉइंट्स क्या हैं और कौन से ऐसे बिंदु हैं जो कि सेटबैक करेंगे। तो इसमें सबसे जो अहम बात है कि जो पीडीएस के जरिए मुफ्त राशन वितरण की जो स्कीम है
वो खास तौर से ग्रामीण इलाकों में जब आप बातचीत करेंगे तो वो इनके लिए लाभप्रद दिख रहा है। अभी भी लोग ये मान रहे हैं कि ठीक है, जिसके पास जो बहुत बीपीएल के नीचे या अति जो गरीब लोग हैं उनको अगर सुनिश्चित तौर पर अगर राशन मिल रहा है तो एक बड़ी मदद है। और अब पॉलिसी के देखिए इम्प्लीमेंटेशन की बात हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर भी जब आप बातचीत करेंगे तो ये पॉलिसी आपको लगेगी कि नहीं ठीक है, जनहित में है। तो उसी तरीके से लोग, जैसे आप अमित शाह जी को कह रहे हैं, मोदी जी को कह रहे हैं, सब ये उनका पर्व एक है, जो चुनावी पर्व है ये अपना मना रहे हैं। उसी तरीके से अगर विपक्ष को देखा जाए तो अखिलेश जी भी आए अपने प्रत्याशियों के समर्थन में, उन्होंने वोट मांगा लोगों से। तो इस जो वक्त लग रहा है कि अमित शाह जी की वो जनसभा शहर के वोटरों के लिए काफी अच्छी रही है। हमारे साथ गाजीपुर के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने बातचीत की, अपनी राय दी। गाजीपुर लोकसभा सीट के चुनाव पर इनका मानना है कि मुकाबला बेहद नजदीकी होगा और जो भी परिणाम आए वो बहुत ही कम मार्जिन वाले आएंगे, और यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बीएसपी को दरकिनार किया जा सके, लेकिन मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी और बीजेपी के पारसनाथ राय के बीच में है। मनीष मिश्रा, न्यूज 18 गाजीपुर। तो गाजीपुर से आप देख रहे थे चुनावी समीकरण किस तरीके से है। वहां के तमाम स्थानीय पत्रकार विस्तार से तमाम चीजों को बता रहे थे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।